नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। झारखंड का चुनाव आ गया, मतलब झारखंड विधानसभा का चुनाव 30 तारीख से शुरुआत होगी और 23 दिसंबर को आखिरी दिन होगा। ये दिन होगा रिजल्ट का और ताजपोशी का। ताजपोशी से पहले कई मतगणना होंगी, एग्जिट पोल आएंगे, कई चीज़ें सामने आएंगी, परंतु कुछ बातें जो पिछले एक हफ्ते में हुई हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। झारखंड में पिछले एक हफ्ते में हमारे दो सीरीज में आपने देखा है कि किस तरह से चुनाव में पार्टी की खेमाबाजी और बेदखल होने से कहाँ पे नुकसान हुआ। वहीं रांची पहुंची चुनाव आयोग की टीम के साथ अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिमंडलों ने मुलाकात की। मुलाकात में बीजेपी को छोड़कर हर एक प्रतिमंडल ने यह कहा कि एक चरण में सारे चुनाव होने चाहिए हर सीट पर, परंतु बीजेपी से खिलाफ थी। उन्होंने कहा पांच चरण में होने चाहिए। चुनाव आयोग ने बीजेपी की बात रख ली। अब आज का दिन चुनाव आयोग के लिए भी खास रहेगा और साथ उम्मीदवारों के लिए भी खास रहेगा, क्योंकि पहला जो चरण होगा उसमें 13 सीट होंगी। 13 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे कुछ दिनों में, कई तारीख भी बदली जाएंगी और कई फेरबदल देखे जाएंगे, परंतु कुछ बातें विस्तार से बता देता हूं। 2014 में यही 13 सीटों में 7 पर बीजेपी थी, 2 पे कांग्रेस, 1 पे JVM मतलब झारखंड विकास मोर्चा और 1 पे झामू और बाकी के अन्य थे। और इससे पहले कई चेहरे होंगे इस बीजेपी में शामिल, ये भी बात आपने सुनी होंगी। और अब मैं बता देता हूँ क्या खास है इन 13 सीटों पर। और 13 विधानसभा सीट होंगी चतरा, गुमाल, गंडवा, भगवान नाथपुर, लोहरा, मनिहिका, लातेहर, पागड़ी, डालगंज, विशानपुर और छतरपुर जैसी चुनावी विधानसभाएं सीटें होंगी जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा। इन पर अलग बीजेपी के दाव होंगे, अलग अलग गुटबाजी होंगी, अलग अलग चुनावी क्षेत्र की बातें भी होंगी, पर ये 13 सीट जो पहले चरण में होंगी। इन 13 सीटों में मतदाता कितने होंगे ये बता देता हूँ। चतरा में 23,03,990 मतदाता होंगे, जिसमें 475 मतदान केंद्र होंगे। गुमाल में 21,08,75 मतदाता होंगे, वहीं 313 मतदान केंद्र होंगे। लोहरा में 24,530 मतदाता होंगे, वहीं 334 मतदान केंद्र होंगे। लातेहर में 26,03,335 मतदाता होंगे, वहीं 338 मतदान केंद्र होंगे। गंडवा 36,11,815 मतदाता, वहीं 455 मतदान केंद्र होंगे। अब क्या है खास इन चीजों में ये बता देता हूँ, किन चेहरों पर होंगी सबसे सबकी निगाहें। रामचंद्र चंद्रवंशी, सुखदेव भगत, राधा कृष्ण किशोर, शिवशंकर उराव, चमरा लीडा, KN त्रिपाठी, भानु प्रताप शाही, गिरिनाथ सिंह और सत्येंद्र नाथ तिवारी होंगे जिनके ऊपर काफी दावेदारी होंगी और लोगों का रुझान इनके ऊपर होगा और सबकी निगाहें इन पर टिकी होंगी, क्या ये जीतते हैं या क्या हारते हैं। जिनके मैंने नाम लिए हैं वो 2014 के अपने अपने विधानसभा सीट से जीत चुके हैं और अनेक पार्टियों का समर्थन इनको प्राप्त है। अब क्या है खास 13 विधानसभा सीटों में बता देता हूँ। 13 तारीख आखिरी दिन होगा जिस दिन नामांकन का होगा, 14 को सबकी जांच होगी कागजों की, 16 नवंबर होगा जिस दिन आप अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, मतलब 16 तारीख से पहले अपना नामांकन आप वापस ले सकते हैं, और उसके बाद कुछ दिन बाद 30 नवंबर को मतदान होगा, मतलब पहले चरण का मतदान 30 नवंबर को 13 विधानसभा सीटों पर होगा। ये झारखंड से जुड़ी अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखी। आगे भी अनेक विधानसभा सीटों से और अनेक मतदान केंद्रों से आपके सामने अपडेट रहता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि झारखंड की इलेक्शन से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट आपके सामने लगातार लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।